तो मैं बात को गोल गोल घुमाए बिना सीधा आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने SBI के एलीट क्रेडिट कार्ड से 39,400 रुपए बचाए या फिर बोलूं तो कमाए। नहीं, मैं नहीं मानता। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, अबे पगला रहा है क्या, 39,400 सही बोला तूने। हाँ आपने सही सुना, 39,400 रुपए मैंने बचाए हैं अपने इस SBI के एलीट क्रेडिट कार्ड से, वो भी केवल 1 साल के अंदर। तो सबसे पहले अगर आपको SBI का एलीट क्रेडिट कार्ड क्या है उसकी जानकारी नहीं है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूंगा कि कैसे मैंने केवल तीन तरीकों से 39,400 रुपए कैशबैक बनाया अपने क्रेडिट कार्ड में। तो पहला मेथड जो मेरा रेगुलर मेथड है वो है मूवी टिकट्स का। बहुत से लोग मेट्रो सिटीज में रहते होंगे तो आसपास मूवी सिनेमा हॉल होते हैं। मेरे जैसे आप में भी बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको मूवी देखने का शौक होगा। तो मेरे इस क्रेडिट कार्ड में 500 रुपए की 2 मूवी टिकट फ्री मिलती है मुझे। तो इस ट्रिक को मैं कैसे यूज करता हूँ इसके लिए आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो 500 रुपए मेरे एक क्रेडिट कार्ड में हो गए, साथ ही मैंने इसी क्रेडिट कार्ड में 2 एड ऑन कार्ड और ले रखे हैं। तो 500 500 500 1,500 रुपए की मूवी टिकट में फ्री बुक करता हूँ महीने में। तो साल में आप कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 रुपए की लगभग ये मूवी टिकट्स हो जाती हैं। तो पहला तरीका मूवी टिकट्स का, उससे मैंने बचाए 18,000 रुपए। अब बात करता हूँ दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका मैं मानता हूँ कि थोड़ा लग्जूरियस मेथड है। लग्जूरियस का मतलब थोड़ा ऐशो आराम वाला मेथड है, क्योंकि मैं साल में 4-5 लगभग फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्लाइट की टिकट बुक करने पे मुझे बेनिफिट मिलता है, वो भी बहुत बड़ा। तो आप देखेंगे कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे एक डोमेस्टिक लाउंज होते हैं, और उन डोमेस्टिक लाउंजेस में जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट स्टेशन पे प्रीमियम प्लाजा करके एक एयरपोर्ट लाउंज है, तो वहां पे एंट्री फीस होती है 1,400 रुपए। लेकिन मुझे इस क्रेडिट कार्ड से उस लाउंज में फ्री एंट्री मिलती है, वो भी केवल 2 रुपए देके। अब उस लाउंज में मैं 2.5 से लेके 3 घंटे तक रह सकता हूँ फ्री में। खाना बहुत अच्छा शानदार होता है उसका। उसके लिए मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊंगा आई बटन में कि कैसे आप प्रीमियम लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं अपने इस क्रेडिट कार्ड से। तो 1,400 रुपए की एक विजिट, और साल में मुझे इस क्रेडिट कार्ड में मिलती है टोटल 6 विजिट। तो 1,400 × 6 8,400 रुपए मैंने वहां पे एयरपोर्ट लाउंज की विजिट पे बचाए। तो अब आप बोलेंगे यार ये तो इनडायरेक्ट मेथड हो गए, इसको सेविंग माने या फिर अर्निंग माने, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप साल में 4-5 बार भी फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो आप 1,400 रुपए का एकदम शानदार खाना खा सकते हैं, वहां पे पूरे मजे ले सकते हैं 1,400 रुपए के। तो अभी तो ये केवल दूसरा तरीका था। अब जो तीसरा तरीका है जिसमें आपको कैशबैक मिलता है सीधा आपके क्रेडिट कार्ड में, वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का। तो क्योंकि मैंने इस क्रेडिट कार्ड को बहुत सारे खर्चों के लिए यूज किया तो उसमें वेलकम बेनिफिट और माइलस्टोन अचीव करने पे, तो इस क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स का एक सिस्टम है। 3 लाख खर्च करने पे आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, 5 लाख खर्च करने पे 15,000 और मिलते हैं, 6 लाख खर्च करने पे 10,000 और मिलते हैं, और 8 लाख खर्च करने पे 10,000 और मिलते हैं। यानी कि टोटल अगर आपने 8 लाख रुपए खर्च किए साल में तो 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो क्योंकि मैं इस क्रेडिट कार्ड को बहुत सारे खर्चों के लिए यूज करता हूँ और अपने बिजनेस के भी बहुत सारे स्पेंड्स इसी क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, 52,000+ रिवॉर्ड पॉइंट्स मेरे इस क्रेडिट कार्ड में हो चुके हैं। अब इन क्रेडिट कार्ड्स को मैं यूज करूंगा अपने क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक लेने के लिए, क्योंकि हम इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को डायरेक्टली शॉपिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए वाउचर खरीदने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेस्ट जो रिडेम्पशन है रिवॉर्ड पॉइंट्स का वो है कैशबैक का। यानी मैं इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड में कैशबैक के लिए यूज कर सकता हूँ। तो आप अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो पहले मैंने मूवी टिकट पे बचाए 18,000 रुपए, उसके बाद लाउंजेस पे बचाए 8,400 रुपए, उसके बाद 13,000 रुपए का कैशबैक मुझे मिल गया रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए। तो टोटल 39,400 रुपए की मैंने बचत की अपने SBI के एलीट क्रेडिट कार्ड से। तो कौन कहता है कि क्रेडिट कार्ड बेकार होते हैं, फालतू होते हैं, रुपए आपका वेस्ट करते हैं। भाई सही तरह से यूज करोगे तो क्रेडिट कार्ड बढ़िया होते हैं। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है मैं समझता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, फालतू लगा डिसलाइक, और दूसरे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं तो बेझिझक शेयर वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।